भारतीय इतिहास की 10 ऐसी रानियां जिनमें से कुछ तो अपनी खूबसूरती के लिए जानी गई और कुछ अपने बहादुरी के लिए। नंबर एक, रानी संयोगता। आपको बता दें कि ये महाबलशाली पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी और कन्नौज की बेटी। ये अपनी खूबसूरती, बलिदान और प्रेम प्रसंग के लिए जानी जाती हैं। कहानियों की माने तो पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच शत्रुता थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर रानी संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डालकर साहस का परिचय दिया था। संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में अमर है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कहते हैं जब संयुक्ता को पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर लगी तो वह भी एक वीरांगना की तरह सती हो गई थी। नंबर दो, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती को कौन नहीं जानता, क्योंकि रानी पद्मावती जैसी ना तो कोई थी और ना ही कोई हो सकती है। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। कहते हैं कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि इनकी सुंदरता की चर्चे सुनकर दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उन तक पहुंचता कि उससे पहले ही रानी ने अपने आप को जौहर कर लिया था। नंबर तीन, नूरजहां। नूरजहां बादशाह अकबर के प्रधान की बेटी थी और ये बेहद खूबसूरत थी। यही नहीं, खूबसूरत होने के साथ साथ इनमें और भी बहुत सारे गुण थे। 17 साल की उम्र में इनका निकाह अली कुली नाम के एक साहसी ईरानी कमांडर से हुआ, लेकिन साल 1607 में जहांगीर के दूतों ने नूरजहां के पति को मार डाला। उसके बाद नूरजहां को जहांगीर के हरम में डाल दिया गया। बाद में इनकी सुंदरता पर मोहित होकर जहांगीर ने सन 1611 में इनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद ये जहांगीर की 21वीं पत्नी बन जाती हैं। हालांकि बाद में जहांगीर ने इसे अपनी मल्लिका बनाया था। नंबर चार, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला सुल्तान थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी थी। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा के विपरीत पुरुषों के जैसा वेशभूषा रखती थी। इनके बहादुरी और साहस को देखकर इल्तुतमिश ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद रजिया बेगम सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। वह अपने शासनकाल के थोड़े ही दिनों में दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासिका बन गई थी। नंबर पाँच, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म प्रसिद्ध चांडाल सम्राट कीरत राय के राज परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती बहादुर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी थी। इन्होंने अपनी शादी के 4 साल बाद अपने पति दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद अपने बेटे वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर खुद उनके संरक्षक के रूप में शासन किया। रानी दुर्गावती को इलाहाबाद की मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए जाना जाता है। नंबर 6, महारानी जीजाबाई। महारानी जीजाबाई को राजमाता जीजाबाई के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये भी हद से ज्यादा खूबसूरत थी और इनका दिल इनसे भी ज्यादा खूबसूरत था। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माँ थी। इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने शिवाजी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मित्रों, आपको बता दें कि एक माँ के तौर पर पूरी दुनिया माता महारानी जीजाबाई को याद करती है। नंबर 7, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 की गदर में लड़ी थी और लड़ाई के दौरान वो शहीद भी हो गई थी। इतिहास में उन्हें झांसी की रानी नाम दिया गया है। वैसे तो उनका यह नाम इतिहास में खास तौर पर वीरता के लिए अंकित है, जबकि इनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ काफी सुंदर भी थी। इनके बारे में एक और बात काफी मशहूर है कि वो हमेशा सच का साथ देती थी और ये वीरों में वीर थी, इसलिए हमेशा हम सबके दिलों में बसती हैं।